दोस्तों जैसे जैसे इंडियन आइडल 12 का कारवा अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहा है, इंडियन आइडल 12 के विनर को लेकर भी लोगों के मन में तरह तरह की राय है। पौंदीप राजन, सन्मुखा प्रिया, मोहम्मद दानिश, आशीष कुलकर्णी, ये चार ऐसे नाम हैं जो इंडियन आइडल विनर के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। पौंदीप राजन शुरुआत से ही सबके फेवरेट बने हुए हैं और अच्छे परफॉर्मेंस लगातार देते हुए आ रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ लोगों का मानना है कि पौंदीप राजन ही इंडियन आइडल 12 के विनर होंगे, पर मोहम्मद दानिश और आशीष कुलकर्णी भी लगातार अपनी परफॉर्मेंस से पौंदीप राजन के इस सफर को मुश्किल बनाए हुए हैं। दानिश ने तो पिछले कुछ परफॉर्मेंस से सबको हिलाकर रख दिया है, तो वहीं सन्मुखा प्रिया की दमदार गायकी भी इंडियन आइडल के विनर जितनी सुरीली है, और हो सकता है इस बार इंडियन आइडल की विनर एक महिला कंटेस्टेंट हो, जो कि पिछले कई सालों से नहीं हुआ है। इंडियन आइडल अपने आधे सफर से ज़्यादा पूरा कर चुका है और लोगों ने भी सभी प्रतियोगियों की गायकी को सुन लिया है। इसलिए India.com ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोल रखा, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा है कि इंडियन आइडल 12 का विनर कौन होगा। India.com के इस पोल के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोगों ने पौंदीप राजन को वोट किए हैं और उनके विनर बनने पर मोहर लगाई है। वहीं दूसरे नंबर पर सन्मुखा प्रिया को पौंदीप के बाद सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, और फिर दानिश और फिर आशीष को लोगों ने इंडियन आइडल के टॉप 4 कंटेस्टेंट की लिस्ट में शामिल किया है। India.com ने सिर्फ इन चार लोगों को ही अपने पोल में शामिल किया है। हो सकता है आपकी टॉप 4 की लिस्ट में कुछ नाम छूट गए हों। इन चारों के अलावा भी समाई भट्ट, अरुणिता कांजीलाल, साइली गामले और अंजलि गायकवाड़ ऐसे नाम हैं जो उम्दा सिंगर हैं और टॉप 4 में तो क्या टॉप 2 में भी हो सकते हैं। तो आप बताइए, आपके हिसाब से इंडियन आइडल के टॉप 4 कंटेस्टेंट कौन होने चाहिए और कौन सीजन 12 का खिताब जीतने वाला है? अपनी प्रेडिक्शन नीचे लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर।